सबसे पहले क्रोम में जाएं, क्रोम में टाइप करें vision.co.in। अब आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको विजन का पैनल दिखेगा, वहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना है लॉगिन में। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, I'm just disappointed.
ये सब सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको बैच नेम लिखना रहेगा। तो बैच नेम आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ए बी सी डी, 1 2 3, सुपर 15, सुपर 30, जैसा आप चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ जैसा लिखेंगे वैसा ही आपको बैच नेम आएगा। एंड में आपको सेव करना है, जैसे सेव करेंगे आपका एक बैच रेडी हो जाएगा 10th का। उसके बाद आप 9th बना लीजिए सेम, फिर 8th बना लीजिए, फिर अभी तो आपने इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया, फिर आप मीडियम जैसे सेलेक्ट करेंगे मराठी मीडियम 8 9 10th या सेमी मीडियम 8 9 10th। तो बैच आपको एक एक बनाना पड़ेगा, ब्रांच आप एक साथ में सब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आगे के मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो क्रोम में ऊपर 3 डॉट आता है, मोजिला में नीचे 3 डॉट आता है, वो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइड कर लेंगे तो आपको व्यू थोड़ा अच्छा मिलेगा। इसके बाद ऊपर जहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और टेम्पलेट में जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। टेम्पलेट में जाने के बाद आप लोगों में यस कर लेंगे, लेफ्ट राइट जैसा भी चाहिए आप लोगों सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लोगों सेलेक्ट करते हैं तो आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये आपका हो गया लोगो। अब पेपर प्रिंटआउट के समय आपके कोचिंग क्लासेस का नाम के साथ लोगो भी आएगा। अब जहाँ पे टेस्ट लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए सब्जेक्टिव और एमसीक्यू है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर बनाएंगे। ऊपर साइड में आपको क्रिएट टेस्ट दिखता होगा, तो आपको क्रिएट टेस्ट में जाना है। देखिए यहाँ पे क्रिएट टेस्ट है, क्रिएट टेस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बैच सेलेक्ट करना है, 10th 9th 8th, जिसका भी पेपर आपको बनाना है। तो आपने 10th सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश मीडियम का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको चेक करना है सारी चीजें ठीक है। इसके बाद आपको खाली सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट लेना रहेगा, जैसे मैंने मैथमेटिक का टेस्ट लेना है तो मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधा प्रिपेयर में क्लिक करना है। आपको लेफ्ट साइड में जो प्रिपेयर है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये 3 टाइप के पेपर बनते हैं, प्रीलिम पेपर, रेडी पेपर और सेट पेपर। तो सबसे पहले आपको जाना है रेडी पेपर में। जैसे ही रेडी पेपर में क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम आपको ओपन हो जाएगा। कितने मार्क्स का पेपर चाहिए, 20 मार्क्स 40 मार्क्स, तो आपने 20 मार्क ले लिया। कौन से चैप्टर से टेस्ट लेना है, तो मान लीजिए आपने पहला चैप्टर ले लिया और आपने यूनिट 1 का पूरा चैप्टर ले लिया, लीनियर इक्वेशन। तो आपने जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए आ गया है। अब आपको जाना है जनरेट पेपर, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरेट पेपर, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका पेपर आपके सामने रहेगा, विद इन 15 सेकेंड में आपका पेपर बन जाएगा, है ना कमाल का बात। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग आपका छूट जाए। नीचे भी देख सकते हैं कि आपका पेपर बराबर बन गया है कि नहीं बन गया है। ऊपर साइड में रिपीटेड व्यू, रिपीटेड क्वेश्चन का है ऑप्शन है, वेटेज का ऑप्शन है, साइड में रिपीट, रिप्लेस, फ्लैग है, ये सारे ऑप्शन दिए गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। और एंड में अप्रूवल दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे अप्रूव करना है।
अब हमें देखना है राइट साइड में, ऊपर साइड में जो आपने अभी पेपर बनाया, अब आपका पेपर तैयार है। ये देखिए, क्यू पे क्वेश्चन, ए पे आंसर। तो सबसे पहले हमें क्यू पे क्लिक करना है। अब हमें डाउनलोड प्रिंट करना है। जैसे ही डाउनलोड प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम जानते हैं आंसर कैसे प्रिंट आउट लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, अब आपका प्रिंट आउट रेडी है, आप प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद हम ए पे क्लिक करेंगे और आंसर पेपर डाउनलोड करने के लिए निकालेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका आंसर शीट भी ओपन हो गया। फिर से आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में आपका आएगा, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और अगर आपके स्टूडेंट को ये पेपर पब्लिश करना है उनके मोबाइल ऐप में, तो यहाँ से आके आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सेलेक्ट करना है और ऊपर जाके पब्लिश कर देना है। पब्लिश पेपर जैसे ही करेंगे आपके स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चला जाएगा। यहाँ जैसे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर पब्लिश हो गया, तो आपके सारे स्टूडेंट को एक साथ में पब्लिश हो जाएगा एक पेपर। अब आपको ऊपर के तीन डॉट पे क्लिक करना है, टेस्ट पे आना है। अब आपको एमसीक्यू पेपर बनाना है। तो एमसीक्यू पेपर भी सेम पैटर्न रहेगा, आपको ऊपर जाके क्रिएट टेस्ट करना है। जैसे ही क्रिएट टेस्ट करते हैं तो आपका बैच पूछेगा, आप अपना बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने 10th इंग्लिश मीडियम लिया। और फिर आपको फिर से आपको सब्जेक्ट खाली सेलेक्ट करना है, तो आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो का डेटा आएगा, आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने बैच सेलेक्ट किया, इसके बाद राइट साइड में मुझे सब्जेक्ट लेना है, तो मैंने सब्जेक्ट में मैथमेटिक टू ले लिया। और मैथमेटिक टू जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको उसका पोर्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चैप्टर आ गया। अब चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी चैप्टर आपने पढ़ाया है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3। फिर राइट साइड में जाना है और आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको क्वेश्चन कितना मार्क्स का लेना है उतना मार्क्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया, तो 10 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी हो गए। यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे और प्लीज जनरेट पेपर पे जाएंगे। जैसे ही जनरेट पेपर पे जाएंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं आपके सामने सारे क्वेश्चन ओपन हो गए। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। अब एंड में आपको फिर से अप्रूवल करना है। जैसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे आपका पेपर रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अप्रूव करने के बाद मेरा पेपर रेडी। अब आप पेपर में क्वेश्चन पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे जो एरो है। अब इसमें क्वेश्चन तो प्रिंट आउट नहीं होगा ना, तो आपको एरो पे जाना है और एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। यहाँ पे फिर आपके स्टूडेंट को सेलेक्ट कीजिए और ऊपर पब्लिश कर दीजिए। अगर आपको तुरंत चाहिए तो पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको डेट सेलेक्ट करना है कि इस टाइम पे ही आपके स्टूडेंट को दिखे और इतने टाइम तक ही दिखे, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 12 से 1 बजे तक ही आपके स्टूडेंट को 1 घंटे का टेस्ट रखना है तो वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट को उतने टाइम ही दिखेगा। उसके बाद वो वहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो अनविजुअल हो जाएगा, तो वो देख नहीं पाएंगे। तो जैसे ही वो उनका क्वेश्चन वहाँ से निकलेगा, अपने आंसर शीट का फोटोकॉपी सिस्टम से अपलोड कर देंगे और सारा डेटा आपके पास। अगर आपको सेटअप पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। एंड में आपको खाली पब्लिश करना है। तो ये रहा हमारा सेटअप। इसमें और भी बहुत कुछ है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टूडेंट को जोड़ना है, कैसे पेपर उनको सेंड करना है, कैसे वीडियो सेंड करना है।